Good morning to all of you, and wish all the staff of IOB. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज का मौसम आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो ठंडा है, प्लेजेंट है, अच्छा लग रहा है। फॉग सा भी है पूरा उधर, आप लोग को कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे यहाँ पर लाइव दिख रहा है, कैमरा से ज़्यादा लाइव में दिखता है, कैमरा की क्वालिटी का पता नहीं क्या होता है। एनीवेज आज का मैं आपको बता देता हूँ कि फिर से मेरा इवेंट है, मेरे को एक इवेंट में जाना है और ये इवेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी वाइफ निशा भी उसी इंडियन ओवरसीज बैंक का इवेंट है, उसी बैंक में वो काम करती है, तो इसके चलते उन्हीं का बैंक वालों ने तो वॉकेथॉन रखा है। तो वो इवेंट इसलिए रखा है क्योंकि आज आईओबी का फाउंडेशन डे, तो इसी दिन पर आईओबी का फाउंडेशन मतलब स्टार्ट हुआ था और उसके लिए लेकर उन्होंने वॉकेथॉन रखा है। और वॉकेथॉन के साथ ही उन्होंने हेल्थ चेकअप भी रखा है, फ्री हेल्थ चेकअप। तो ये दो चीज़ें हैं इवेंट में, तो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा कि वो इवेंट में क्या क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है और हेल्थ चेकअप कैसे चल रहा है, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो फाइनली अभी आईओबी बैंक आ चुका हूँ मैं, हमारा लोकेशन यही है, जैसे आप देख सकते हो ये आईओबी बैंक पीछे, ये देखो इंडियन ओवरसीज बैंक, रीजनल ऑफिस ऊपर है, नीचे ब्रांच है। तो अभी मैं, निशा और रोमियो के पापा, हम तीनों आ चुके हैं वॉकेथॉन के लिए। अभी लगता है हम जल्दी आ गए, इंतज़ार करते लोग आ जाएंगे तो फिर वॉकेथॉन भी शुरू होगा और क्या क्या होगा आगे मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। कितना अच्छे से डेकोरेशन किया लाइटिंग के साथ, और ये चीज़ बहुत क्लास लग रहा है, मस्त चीज़ है ये। इन्होंने पहले वॉल था, वॉल हटा के इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक का इन्होंने ऐसे अपना लोगो डाल के ब्रांडिंग कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है। और एक और नया चीज़ ये है कि इन्होंने किया है ये साइड में वॉल को जैसे डेकोरेट किया ना, वो पूरा कलर करके ब्लू कलर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक रीजनल ऑफिस का, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। अभी इवेंट स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है तो मैंने सोचा ठीक है जाके कुछ चाय समोसा खा लेते हैं सुबह सुबह, तो थोड़ा पेट पूजा हो जाएगा, बाद में देखेंगे। वो वहाँ पर ब्लू बोर्ड दिख रहा है, वहाँ से हमारा मैराथन स्टार्ट होगा, वहाँ से लेकर वहाँ पर थोड़ा दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है उधर, वहाँ तक हमारा आज वॉकेथॉन है। यहाँ से वहाँ जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर हेल्थ चेकअप है और कुछ आई थिंक ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, रखा है। अभी ये टी स्टॉल में आ गए हम लोग, ये देखो हमारा चाय, निशा एंजॉय कर रही है अपना चाय और मैं भी। फाइनली अब हमारा चाय बिस्किट टाइम हो गया है, अभी कैलोरीज को बर्न करने का टाइम हो गया, पहले चलते हैं ऑफिस की तरफ बस। कुछ भी बोलो, मेरे को ये तो अच्छा लगता है, ये कलर मस्त है, कॉम्बिनेशन सिल्वर ब्लू और इंडियन ओवरसीज बैंक का रीजनल ऑफिस के लिए इस तरफ जाने का रास्ता है। तो अब मैं आप लोगों को फाउंडर कौन है आईओबी के, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और इंडियन ओवरसीज बैंक के फाउंडर ये है, इनका नाम है चिदंबरम चेटियार, इनका फ्रेम लगा कर इनके फूल चढ़ा रहे हैं, अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं, काफ़ी जोरों शोरों से इनका पूरा डेकोरेशन चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आ चुके हैं स्टाफ मेंबर्स, और यहाँ पर डेकोरेशन भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे फिर भी चल रहा है। यहाँ पर टी शर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आईओबी का, मेरे को भी मिल चुका है आईओबी का टी शर्ट, ये मैं आप लोग को पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता हूँ मैं इसमें, मेरे साइज़ का तो है नहीं फिर भी पहन लेता हूँ। और सबको कैप भी दिया जा रहा है टी शर्ट के साथ ही, और निशा को देखो क्या मस्त लग रही है, इसका साइज़ का टी शर्ट भी नहीं लेकिन फिर भी क्यूट लग रही है। पहनने के बाद मैं ऐसा लग रहा हूँ, इसके ऊपर एक टचअप डाल देता हूँ, लगता है बर्फ गिरने लगा। ये सिरिशा जी हैं जो मेन ऑर्गेनाइज किया इन्होंने पूरा इवेंट, जो भी किया इन्होंने किया, तो थैंक्स, हाँ सही में बहुत अच्छे से किया। और सब लोगों ने टी शर्ट्स पहन लिए, ये हमारे एजीएम जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे फाउंडर जी का पूरा डेकोरेशन हो चुका है, इसे आप देख सकते हैं सेटअप हो गया।
अभी हमारे आरएनजी कर रहे हैं अभी, हो भी गया ऑलमोस्ट। यहां से अभी हम धीरे धीरे सब वन बाय वन नीचे जाएंगे और हमारा वॉक इवेंट स्टार्ट करेंगे। जिंदाबाद अयोध्या, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद अयोध्या, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद अयोध्या, जिंदाबाद। फाइनली अब हम लोग नीचे जा रहे हैं सब लोग और वॉकथॉन के लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से नीचे से। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लोकेशन क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद अयोध्या, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद अयोध्या, जिंदाबाद बस। अभी आईओपी का वॉकथॉन शुरू होने वाला है, सब लोग रेडी हो चुके हैं इधर, बस अब शुरू हो जाएगा 5 मिनट्स। और अभी सब लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, आ गए हैं सड़क पर, कुछ लोग और भी हैं, अभी ज्वाइन करेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये आईओबी का 88th एनिवर्सरी है। जनरली एनिवर्सरी ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, रूम में बैठ के केक कटिंग करते हैं, ऐसे सब करते हैं। लेकिन एक चीज इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वॉकेथॉन रखा है, तो इससे क्या इंसान थोड़ा तो फिट रहेगा। एक ही दिन सही लेकिन फिट तो रहेगा। ऐसे इवेंट तो होने चाहिए और इवेंट्स में यही चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रूम में बंद बैठे रहो और केक काटो, तो सब लोग ऐसे वॉकिंग करें, ये वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा। एंड थैंक यू आरएम के लिए, ऐसे करते रहें, आगे भी हो तो भी ऐसा ही करते रहें। और पानी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिन जिन लोग को प्यास लगे तो पानी भी मिला जा रहा है इन लोगों को। मज़ा भी है, मज़ा लेते हैं। हाँ भाई, मज़ा मतलब ये मज़ा, मज़ा वाला मज़ा नहीं। ये लो, आप देख सकते हैं ये सब लोग जो 8 घंटा बैठ के ऑफिस में, वो भी एसी में बैठते थे, और अभी टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन के वॉकिंग कर रहे हैं। देखो आईओबी का डेडिकेशन, देखो कैसा है सब लोग का। आईओबी हम लोग आ गए ALC ब्रांच, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट ये है। सब लोग आ चुके, पहुंच चुके हम लोग, तो फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। यहाँ पर हेल्थ कैंप होगा, अभी यहाँ पे हेल्थ चेकअप किसी का भी पूरा यहाँ पर होगा। और ये ALC ब्रांच मतलब आंध्र लोयला कॉलेज का आईओबी बैंक का ब्रांच है। यहाँ पर भी फाउंडर है, उनको अच्छे से सजा के रखा है। अभी टाइम हुआ 8:56 और जैसे आप देख सकते हैं सब लोगों ने, सारे स्टाफ मेम्बर्स हैं यहाँ पर आए हैं और अच्छा डेडिकेशन है। वॉकिंग किया, 1 घंटा हो गया, 8 o'clock निकले थे, अभी ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गया, तो सब लोगों ने अच्छा डेडिकेशन के साथ वॉकिंग किया। सब लोग पसीने बहाए और अभी पानी पी रहे हैं। अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन लिया है एंड इट्स अ वेरी गुड आईओबी, ऑल द बेस्ट। आईओबी बैंक का अभी हेल्थ चेकअप जो है स्टार्ट होने वाला है। ये विजयवाड़ा के आईओबी के आरएन है। अभी हेल्थ चेकअप कैंप जो है स्टार्ट हो चुका है। शुरुआत करते हैं आरएम सर से। ये बीपी चेकअप हो रहा है आरएम सर का। ये हमारी आईओबी के असिस्टेंट मैनेजर है, इनका डेंटल चेकअप होगा। और ये हमारा शुरू हो चुका है, काफ़ी लोग लाइन पर लग गए हैं, सबका चेकअप होगा अभी, बीपी शुगर।
हेल्थ चेकअप करवा लेता हूँ, देखते हैं मेरे को हेल्थ इश्यूज कुछ है कि नहीं, बीपी वगैरह नॉर्मल है कि नहीं, वो चेक कर लेता हूँ। तो मैंने अपना बीपी का टेस्ट करवा लिया जो 110/80 आ गया, तो नॉर्मल है, इसमें तो पास हो गया, अभी नेक्स्ट में देखते क्या है। ऐसा स्वीट चुभा है ना, बहुत पेन हो रहा है। First time I'm giving for this test, man. तो मेरा शुगर टेस्ट भी हो चुका है, मैं इसमें पास हो चुका हूँ। 89 कुछ बता रहा है, मुझे पता नहीं MGDL लिखा है, लेकिन मैं पास हो रहा हूँ। नेक्स्ट चेक करते हैं ये क्या हो। फाइनली मेरा पूरा हेल्थ चेकअप हो चुका है, जिसमें मेरा बीपी था और शुगर था और जनरल हेल्थ चेक, बॉडी चेकअप था, इसमें सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो आई एम फिट एंड फाइट, और मैं आगे भी फिट एंड फाइन, फाइट बोल रहे हैं फिट एंड फाइन, आगे भी चल के मैं ऐसे ही रहूँगा और अपने पूरे फैमिली का केयर करूँगा। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई चेकअप भी हो रहा है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, हेल्थ को लेकर कॉशियस है, आई होप यू वेल, बहुत अच्छा चीज़ है। तो हमारे आरएम सर हैं, वो अभी दिया चलाएंगे। फूल चढ़ाने जा रहे हैं, ये हमारे एजीएम सर हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी हो रहा है। चलो अभी एक प्रैंक करते हैं, यहाँ पर आई चेकअप हो रहा है, मैंने वैसे लेंस पहना है, वैसे मेरे को साइट तो है लेकिन मैंने लेंस पहना है। लेंस पहनने के बाद भी उसको वहाँ पे देख के चेकअप कराता हूँ कि वो क्या बोलता है, कितना साइट है। वैसे तो मेरा साइट है -3, वहाँ पे देखते हैं वो कितना बोलता है। तो अभी लोग को चेक करते हैं क्या बोलते। और ब्लड डोनेशन के बाद इनको रिफ्रेशमेंट के लिए मिल रहा है माजा, और ये ले रहे हैं मज़े। इतने हेल्थ चेकअप के बाद सब कुछ, वॉकेथॉन के बाद फ्री ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, अच्छा लग रहा है। नाश्ता खाने के बाद चाय पीने का क्रेविंग। तो दोस्तों मेरे साथ बैठे हुए आरएम सर जो विजयवाड़ा रीजनल ऑफिस के, तो इन ये आज के दिन के लिए कुछ दो शब्द कहेंगे, तो इनके मुंह से सुनते ये क्या कहते हैं। यस सर प्लीज। Good morning to all of you, and wish all the staff of IUB, Regional Office Vijayawada, and IUB as a whole a very happy 88th Foundation Day, and let us continue our onward journey and towards a far more resilient bank in future. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेजेंस एंड एवरीथिंग सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब मैं अपना ECG टेस्ट भी करवा लेता हूँ, देखते मेरा हार्ट वगैरह सब ठीक है कि नहीं। तो अभी जिन जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है उनको सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि ब्लड डोनेशन का, ये अपने आरएम सर हैं वो अभी एक एक पार्टिसिपेंट को जिन जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनको सर्टिफिकेट देंगे। तो मैंने अपना ECG रिपोर्ट भी स्कैन करवा लिया, डॉक्टर को कंसल्ट भी करवा दिया, डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। बस मैंने उनको ये बोला था जब मेरी पत्नी मेरे बाजू में रहती है तो तब मेरा BP हाई हो जाता है या फिर मेरा क्या बोलते हैं हार्ट रेट फास्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बॉडी इज़ फिट एंड फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मेरे सारे रिपोर्ट ही नॉर्मल निकले, तो आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो फाइनली अब पूरा IOB का जो इवेंट है पूरा ख़त्म हो गया, मेरे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गए, और वॉकेथॉन भी हो गया, सब लोग को मज़ा आया, मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। अभी मैं चलता हूँ अपने गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठ के फिर मुझे जाना है, कुछ काम भी है, काम करके फिर मैं जाऊँगा घर। मैं अपने कार के पास आ चुका हूँ, अभी बस घर चलते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ गया, काफ़ी मज़ा आया आज का दिन। IOB बैंक वालों ने जो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। और सबसे पहले मैं बोलूँगा वो वॉकेथॉन का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये था उन्होंने हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप रखा कैंप, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। फ्री ब्रेकफास्ट भी रखा, साथ में माजा वगैरह भी मिला था, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिले थे। जस्ट ये सब चीज़ें ना ऐसे था कि चेरी ऑन द केक, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा।
और वैसे मैं एक स्पेशल थैंक्स आरएम को भी बोलूँगा, रीजनल ऑफिस विजयवाड़ा के आरएम सर हैं, उनको एक स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से। उन्होंने इतना जो इवेंट है इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट वाज लवली डे एज वेल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।